अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे, फिट पाट होंगे और जो है ना मौसम आजकल काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ हुआ, एंजॉय कर रहे ही होंगे। आज आप ये मेरे सामने देख सकते हैं कि आपको तीन जो है वो मुख्तलिफ जो है ना सूरत हाल में प्रोडक्ट नज़र आ रही हैं। बेसिकली कंपनी एक ही है जी, पार्ले की, और मैं आज आपको पार्ले का जो है ना ये आइटम्स का रिव्यू देने लगा हूँ। ये आपने काफ़ी ज़्यादा मार्केट में देखा होगा कि पार्ले जब से आई है इसके बाद काफ़ी ज़्यादा कंपनीज और जो है वो मुतहर्रिक हो गई हैं इसी तरह की गोल्ड ब्लीच बनाने में, और मुख्तलिफ प्रोडक्ट बना रही हैं, वाइटनिंग क्रीम बना रही हैं, वाइटनिंग सीरम बना रही हैं, उसके बाद फेस वाशेज़ बना रही हैं। ब्लीच क्रीम जो है वो साशे में थी, डिब्बी में भी बनाने की कोशिशें जारी हैं। तो ये आपके सामने पार्ले की गोल्ड ब्लीच है, इसकी जो है ना वो मैंने वीडियो तो ब्लीच की नहीं बनाई, लेकिन आज मेरा बेसिकली मकसद जो है वो इसको फर्स्ट टाइम दिखाने का ये था कि ये जो सबसे पहले पार्ले ने अपनी चीज़ ब्लैक कलर में लॉन्च की थी। तो आज मैं आपको जो है ना वो वीडियो दिखाने वाला हूँ वो ये है जी, पार्ले की जो वाइटनिंग सीरीज़ है। बेसिकली जो ये ब्लीच है ये भी वाइटनिंग सीरीज़ में ही आती है, लेकिन ये ज़रा जो है ना वो वक्ती तौर के लिए होती है। और ये जो आपके सामने दो चीज़ें पड़ी हैं ये बड़ी खूबसूरत सी इन्होंने चकोर सी डिब्बी बनाई है, इसको मुख्तलिफ तरह के कटिंग जो है ना वो साइड से दी हुई है, बड़ी ज़बरदस्त पैकिंग है, और साथ में ये पार्ले की जो है ना ये ट्यूब में भी आ चुकी है, डिब्बी में भी है और ट्यूब में भी है। तो सर ये जो है आज की वीडियो बनाने का मकसद यही था कि वाइटनिंग क्रीम जो है ना वो वाइट पार्ले की पहले नहीं थी जो नाइट टाइम यूज़ होती है, तो ये नाइट टाइम जो है ना पार्ले ने अपनी यूज़ करने वाली पहली प्रोडक्ट यूज़ करने वाली जो है ना वो दी है। अब हम इसको ओपन करते हैं, ये देखिए इसको साइड से ना उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो कट्स दिए हैं, और ऊपर से इसकी जो है ना ये है जी यहाँ से खुलेगी, बड़ी खूबसूरत थी, और अंदर से भी उन्होंने जैसी डब्बी जो है ना बाहर से गत्ते की है वैसी ही वो जो है ना वो बनाई हुई है, कह ले उसको सर्कल नहीं दिया, गोल नहीं बनाई, थोड़ी सी टेढ़ी बनाई है, बड़ी खूबसूरत सी लगती है वो ना। उसके बाद ये इसका बॉक्स है जी, और ये इसके बॉक्स के बैक साइड पे ही इसकी जो प्राइस है वो भी मेंशन है, 250 इसकी प्राइस है, मेड इन पाकिस्तान है, और एक्सपायरी भी इसकी साथ मेंशन है। इसकी एक्सपायरी जो है वो 2 से 3 साल तक चलती है, क्योंकि अभी ये रिसेंटली न्यू ही मार्केट में लॉन्च हुई है जी। और ये इसका जो मुकम्मल बॉक्स है ये बड़े वाला, ये इसका बॉक्स है जी, बड़ा प्यारा बॉक्स बनाया है उन्होंने, इसी तरह बॉक्स को भी उन्होंने कट दी हुई है, वो एरोडायनामिक कटिंग जो है ना वो जैसे गाड़ियों में होती है ये वैसी ही कटिंग है, और ये इसकी जो डिब्बी है। अब हम इसको खोलते हैं कि अंदर से कैसी है, देखने वाला जो मेरी तरह का है वो तो पहले दिखेगा कहेगा पता नहीं किसी पॉलिश की ये शू शाइनर की डिब्बी है, तो लग तो वैसी ऐसी रही है। और ये अंदर से जब खुलेगी तो जैसे इन्होंने इसका पार्ले गोल्ड वाइटनिंग नाम रखा है तो अंदर से भी इन्होंने इसको ये देखें बिल्कुल वैसे ही उसको अटैचमेंट दी है गोल्ड की। तो ये इसकी सेल जो है ना हम ओपन करते हैं तो अंदर से भी ये बड़ी ज़बरदस्त जो है ना वो क्रीमी शेप जो है ना वो निकलती है, जैसे आइसक्रीम जो है ना वो कह लें मैंगो फ्लेवर होता है, और ज़बरदस्त है खुशबू इसकी, बड़ी ज़बरदस्त है जी। और ये आपने रात को जो है ना इसको यूज़ करना है, ये इसकी ट्यूब है जी, आप इस ट्यूब को भी यूज़ कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। ये थोड़ी सी कंपनी ने अपनी एसेसरीज बढ़ाने के लिए ये ना वो सेम चीज़ें बनाई हैं, जैसे फेयर एंड लवली की होती है डिब्बी और फेयर एंड लवली की ट्यूब, तो ये सेम प्राइस है इसकी। फेयर एंड लवली में तो ये होता है कि जो डिब्बी होती है वो थोड़ी महंगी होती है, इसमें वज़न भी ज़्यादा होता है, और ट्यूब पार्ले वालों ने और जो डिब्बी बनाई है ये सेम रेट है इनका, और मेरे ख्याल में जो वज़न है इसका वज़न भी सेम ही होगा, जहाँ तक मेरा जो है ना इसका 25 ग्राम वेट है। और इसको भी चेक कर लेते हैं कि इसका वेट जो है वो कितना है जी, इसका वेट उन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इसका वेट भी इतना ही होगा, 25 से 30 ग्राम के राउंड अबाउट होगा, लेकिन ट्यूब में ये होता है थोड़ी सी हवा वगैरह होती है। तो आप इसको पार्ले की ये जो ब्लीच वालों ने सॉरी क्रीम वाइटनिंग क्रीम जो है ये तैयार की है, आप इसको रात को इसी का फेस वाश भी मार्केट में जल्द आ जाएगा, और आ भी चुका है लेकिन अभी थोड़ा शॉर्ट है क्योंकि नई नई प्रोडक्ट है और जो है ना उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। तो उसको उसके साथ आप चेहरे को धोएं, धोने के बाद आप उसको यूज़ करें, रात को 90% इसको आप चेहरे पे लगा के जज्ब कर लें, जज्ब करने के बाद सो जाएं, और सुबह उसी फेस वाश से आप इसको अपने चेहरे पर अप्लाई करें। अगर किसी को ज़्यादा कोई मसला है पिम्पल्स का या दानों का या स्याहियों का, तो इसमें मुख्तलिफ एसेसरीज पार्ले और भी लॉन्च कर रहे हैं, जैसे वाइटनिंग सीरम है, क्या इसकी एक्नी जो है वो ट्यूब्स आ जाएंगी मार्केट में, बहुत ज़्यादा और भी हैं, जैसे कुछ लोग बेट्रोवेट क्लोबीवेट डर्मोवेट या ऐसी जो है ना वो मार्केट में ट्यूब्स अवेल हैं उनको मिक्स कर लेते हैं जिससे वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। तो आप इसको यूज़ करें, इंशाल्लाह आपको एक डिब्बी यूज़ करने से काफ़ी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।